बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये रूटर का इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ये देखें, नज़र आ रहा है आपके सामने बिल्कुल रूटर। रूटर जैसे ही आप ऑन करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे, डिफरेंट सिग्नल्स यहाँ पे आ रहे हैं। चूँकि हमने इसको रीसेट नहीं किया हुआ, तो हम इसको पहले रीसेट कर, थोड़ा सा बटन हम प्रेस रखेंगे, तो प्रेस बटन रखने के बाद ये जो सामने की लाइट है, इसकी ब्लिंकिंग ऑफ हो जाएगी। जैसी ब्लॉक ऑफ हो जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये रूटर रीसेट हो गया। ये देखिए, ये रूटर रीसेट हो गया। रूटर को रीसेट करने के बाद, अच्छा यहाँ पे जब हम जाएंगे, ठीक है, तो अब हम वाईफाई के सिग्नल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हम जैसे ही वाईफाई के सिग्नल की तरफ जाते हैं, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 10.48 कुछ इस किस्म का नाम आ रहा होगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली वाईफाई के सिग्नल्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमारा कनेक्ट हो गया है। अब जैसे हम कनेक्ट हो जाएंगे, इसके बाद हमने कनेक्ट करना है, हमने डायनेमिक आईपी पे जो है क्लिक कर देना है। डायनेमिक आईपी के बाद हम वाईफाई के नेम पे क्लिक करेंगे। लेट सपोज़ हम इस पर डालते हैं कोई भी सदर ऑनलाइन के नाम से हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, और पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पासवर्ड। ओके कर देते हैं। ये वाईफाई जो है अब ये अब रिस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होने के बाद इसके सिग्नल जो है यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब हम वेट करेंगे कि सिग्नल चेंज हो, उसका पासवर्ड हम लॉगिन करें और इसमें हम इस डिवाइस को इंस्टॉल करने का तरीका आपको सिखाएं। वाईफाई के सिग्नल रिसीव हो गए हैं। देखिए, सदर ऑनलाइन के नाम से ये हमने वाईफाई का नाम दिया हुआ था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने पासवर्ड दिया हुआ है। कनेक्ट करेंगे। अब जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, हम जाएंगे अपने विंडो के गूगल क्रोम में जाएंगे। यहाँ पे हम डायल करेंगे 192.168.0.1। ठीक है, ये हम जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो के ओपन होने के बाद हम यहाँ की जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में हम जाएंगे वायरलेस रिपीटिंग पे। वायरलेस रिपीटिंग में हम जाएंगे WASP के ऑप्शन पर। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वाईफाई सिग्नल्स ओपन हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, लेट सपोज हमारा जो वाईफाई का सिग्नल है, हम उस पर क्लिक करेंगे। इकराम वाईफाई सिग्नल का नेम है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसका पासवर्ड मैं अभी डायल करता हूँ, 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने इकराम को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर उसका पासवर्ड किया है और ओके मैंने डायल कर दिया। अच्छा, जैसे ही ये होगा तो क्या होगा कि वाईफाई का रूटर जो है ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कनेक्ट हो गया है। अब हम जाएंगे दोबारा। अच्छा एक मिनट, मेरे ख्याल में इसका जो पासवर्ड है वो रेगुलरली यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ। मैं ज़रा पासवर्ड को चेक कर लेता हूँ। अच्छा, पासवर्ड हमने गलत डायल किया हुआ था, तो पासवर्ड हमने अभी करेक्ट कर लिया। पासवर्ड करेक्ट होने के बाद ये दोबारा रिस्टार्ट होगा ये रूटर। पासवर्ड का ख्याल रखेंगे कि अगर कैपिटल में कोई आई या कोई भी डिजिट अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखा होगा तो आप कैपिटल में देंगे, लोअर में लिखा होगा तो लोअर में देंगे। कोई भी छोटी सी भी गलती होगी तो आपका रूटर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ये देखिए कनेक्ट हो गया। इस पर जो है ना सिग्नल, अभी नो इंटरनेट एक्सेस का सिग्नल नहीं आ रहा और हमारे सिग्नल्स भी कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपको सारे डिवाइसेस भी नज़र आएंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस यहाँ से कनेक्ट हैं।
ठीक है, यहाँ से आप पेरेंटल कंट्रोल का भी ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे आप पेरेंट कंट्रोल जिस वेबसाइट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं उस पर उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इस डिवाइसेस को। अब हम चेक करेंगे कि इसका स्पीड क्या है, स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसका हम स्पीड टेस्ट करेंगे अभी। इस वक्त हमारे इंटरनेट के साथ कुछ तकरीबन 10-15 लोग कनेक्ट हैं। ये चेक करें पासवर्ड, ये चेक करें यहाँ पर जो है पूरी स्पीड के साथ हमें इंटरनेट की सर्विसेज मिल रही है। तो इसी के साथ इंस्टॉलेशन की कंप्लीशन हो गई। आप इंस्टॉलेशन इस तरीके से करेंगे, कोई भी इशू होगा तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच।